बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन एंड पोटैटोस कटलेट्स। मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। चिकन और आलू के कटलेट्स के लिए सबसे पहले मैंने चिकन लिया है। मैंने चिकन लिया 6 से 7 पीस चिकन के। अगर वेट करें तो ये 250 ग्राम बनता है। एक टोमेटो काट लिया है, 5 सब्ज मिर्च काट लिए, 1 प्याज काट लिया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा खाने का चम्मच, 1 अंडा लिया है, सब्ज धनिया है उसको मैंने काट लिया है, ब्रेड क्रम्स लिए हैं ये कोटिंग के लिए मैंने लिए हैं, 1 किलो मैंने आलू लिए हैं उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख लिया एक साइड पर, 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। मीडियम फ्लेम पर चिकन का मसाला बनाना है। जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी, अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी, 1 टोमेटो ऐड करूंगी, 1 टीस्पून लाल मिर्च डालूंगी, 1 टीस्पून नमक डालूंगी, 1 ग्लास पानी डालूंगी। अब इसको मैं अच्छी तरह गलने के लिए रख दूंगी ऊपर ढक्कन लगा के। चिकन को अच्छी तरह पका लेना है ताकि इसके रेशे बन जाएं। अब मैं इसमें सब्ज मिर्च ऐड करूंगी। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। इसको ठंडा करके ही आलू में मिक्स करना है, गरम गरम नहीं करना, फिर कटलेट्स अच्छे नहीं बनेंगे। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, बॉईल करके इसको छीला, छील के फिर मैंने इसको चॉप कर लिया, इस तरह बना लिया। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको इसमें ऐड करूंगी। 1 चाय का चम्मच मैं काली मिर्च ऐड करूंगी, 1 चाय का चम्मच मैं गरम मसाला ऐड करूंगी, कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड करूंगी। अब इसको मैं हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। नमक हसबे ज़रूरत शामिल करेंगे। अब मैं अपने कटलेट्स बनाऊंगी गोल शेप में। आप देख सकते हैं कटलेट्स मेरे तैयार हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इसकी कोटिंग करूंगी। एक पैन में मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अब मैं कटलेट्स की कोटिंग करूंगी। कटलेट्स की कोटिंग हो चुकी है, अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पर कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं। कटलेट्स रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसको निकालूंगी। अब मैं कटलेट्स को डिश आउट कर रही हूँ। अब मैं मायनीज लगाऊंगी। माशाल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, टेस्ट वाइज भी बहुत मज़े की है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अंदर से बहुत यम्मी लग रहा है, इसको आपने ऐसे ट्राई करना। मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। शुक्रिया।